आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। यहीं से रविंद्र जी बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल का जनवरी वायदा देख रहे हैं 6156 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 6156 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 3198 का ही लगा चुका है, 1.5% की तेजी है। वही फरवरी वायदा देख रहे हैं कि 3220 का हाई लगा चुका है। रविंद्र जी आपने पहले ही बता दिया था कि बिनौला खल में आगे जाके तेजी देखने को मिलेगी, 3200 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, आज आपका वो टारगेट अचीव होता हुआ नजर आ चुका है। ऐसे में अब आपको आगे क्या लगता है, क्या यहाँ से बिनौला खल में कोकुड में कुछ प्रॉफिट बुकिंग बनती है या फिर यहाँ से कीमतें और आगे तेजी की ओर जाएंगी? देखिए कोकुड के चार्ट को अगर एनालाइज किया जाए तो कोकुड चार्ट के बेसिस पे यहाँ से एक हल्की करेक्शन जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड जो है ये पॉजिटिव साइड का ही दिख रहा है अभी भी जी। डिप पे बाय करना बेहतर रहेगा क्योंकि इसमें जो सपोर्ट मिल रहा है ये कॉटन की तरफ से अगर देखें तो कॉटन प्राइसेस जो है ये फर्दर हायर साइड मूव कर रहे हैं, इंटरनेशनल कॉटन भी हायर साइड मूव कर रहे हैं क्योंकि अराइवल्स जो है वो हाफ के अराउंड हैं जो नॉर्मल ईयर्स में रहते हैं और डिमांड जो है एक्सपोर्ट डिमांड जो है वो काफी ज्यादा तेजी से इंक्रीज कर रही है और उसी वजह से हम देख रहे हैं कि कॉटन प्राइसेस जो है ये फर्दर हायर साइड मूव कर रहे हैं और वहीं से एज लेते हुए कोकुड प्राइसेस में भी हमने देखा कि बाइंग विटनेस हो रही है। आने वाले दिनों में हमें एक्सपेक्टेशन है कि अगर कोकुड प्राइसेस 3200 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो नेक्स्ट टारगेट जो इनके लिए रहेगा वो 3430 और 3550 का रहेगा और ज्यादा चांसेस यही लग रहे हैं कि हायर साइड मूव करेगा, डिप अगर मिलता है तो बैक करके चल सकते हैं जी। तो यानी कि अभी हो सकता है कि बिनौला खल की कीमतों में एक हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग बनती नजर आए, कुछ हल्की दबाव बनता नजर आए, लेकिन जो ओवरऑल रुझान रहेगा बिनौला खल में आगे तेजी का ही रहेगा। आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।